प्रश्न बी देखते हैं। फलन मिला है ए सेक एक्स प्लस बी कोसेक एक्स, जहां जीरो लेस देन ए लेस देन बी है। हम फलन को वाई के बराबर मान लें, तो माना वाई बराबर है ए सेक एक्स प्लस बी कोसेक एक्स। अब हम डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे और उस मान को जीरो के बराबर करेंगे चरम मान ज्ञात करने के लिए। तो dy by dx कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन किया a sec x का हो गया sec x into tan x plus b cosec x का हो गया minus cosec x into cot x। सरल कर लेते हैं इसको, तो a 1 अपॉन cos x इंटू साइन x अपॉन cos x माइनस बी 1 अपॉन साइन x इंटू cos x अपॉन साइन x, ये हमें मिलता है। अर्थात मान हो गया a साइन x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस बी cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। मान हो गया cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, यहां आ गया a साइन क्यूब x माइनस बी इंटू cos क्यूब x। अब चरम मान के लिए dy by dx जीरो के बराबर होता है, तो चरम मान के लिए dy by dx बराबर जीरो, अर्थात ये मान जीरो के बराबर होगा। अब जब ये मान जीरो के बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जो कि जीरो के बराबर हो जाएगा, तो अंश जीरो के बराबर है। तो इसलिए a साइन क्यूब x माइनस बी cos क्यूब x बराबर जीरो है, जो हमें देता है a साइन क्यूब x बराबर है b इंटू कॉस क्यूब एक्स। पक्षांतरण किया तो टेन क्यूब एक्स बराबर हो गया b अपॉन a, अर्थात दिस इंप्लाइज टेन एक्स बराबर है b अपॉन a की पावर 1/3। अब हम इससे टेन एक्स के इस मान से साइन एक्स और कॉस एक्स के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, हमारा मान लिया ये कोण एक्स है, तो ये भुजा होगी बी की पावर 1/3 और ये भुजा होगी ए की पावर 1/3। कर्ण का मान हम पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल सकते हैं, ये हो गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का अंडर रूट, अर्थात साइन एक्स बराबर हो गया बी की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और कॉस एक्स का मान हो गया ए की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब हम इस मान पर y के मान की गणना करते हैं, क्योंकि tan x बराबर b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3 पर फलन का चरम मान है, उच्चिष्ठ है या निम्निष्ठ है यह हमें अभी ज्ञात नहीं है, जबकि sin x इतना है और cos x इतना है। तो y का मान निकाल लें, इसलिए y बराबर क्या होगा, a sec x का मान क्या है, sec x होता है 1 अपॉन cos x, तो ये मान हो गया a इंटू अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। ये तो हमने sec x का मान रख दिया, प्लस b cosec x है 1 अपॉन sin x, तो इसका मान ये रख दें यहां से अंडर रूट
ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3। लघुत्तम ले लिया, ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और यहां ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 तो हमने कॉमन ले लिया, यहां आ गया ए की पावर ए इंटू बी की पावर 1/3 प्लस बी इंटू ए की पावर 1/3, ऐसा हमें प्राप्त होता है। इधर से इसको हम मिटा भी सकते हैं, यहां हम इधर से मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा सकते हैं। तो y का मान हो गया, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, कॉमन ले लें, a की पावर तो 1/3 और b की पावर 1/3, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा a की पावर तो 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3, ये कैंसिल हो गए, अर्थात मान क्या आ गया, a की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर, ये तो पावर है आधी और ये है एक, पावर जुड़ जाएंगी, 1 + 1/2 आधा, ये हो गया पावर 3/2, अर्थात y का हमें tan x बराबर b/a होल की पावर 1/3 पर ये मान मिलता है। अब ये मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, इसके लिए हमें d2y/dx² का मान निकालना है। यदि ग्रेटर देन जीरो हम प्राप्त करते हैं तो यह मान निम्निष्ट होगा, और यदि यह लेस देन जीरो है तो यह मान उच्चिष्ट होगा। यह कार्य d2y/dx² का मान निकाल के अब आप स्वयं करेंगे।